समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल राम नाईक से राजभवन जाकर मुलाकात की और एक ज्ञापन भी दिया है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं और वो जब चाहें किसी की भी हत्या कर देते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियां भी यहां महफूज नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यपाल से इसलिए मिले हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वो सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। वहीं आजम खान के खिलाफ कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कार्रवाई हो और जो बात माननीय गवर्नर साहब की तरफ से आती थी कि पूरे प्रदेश में सब यादव अधिकारी हैं, शायद आज एक भी यादव डीएम एसपी नहीं होगा। मैं बस महामहिम राज्यपाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था के बारे में आपने हमेशा सरकार को कहीं न कहीं जगाया है। मैं चाहता हूं महामहिम राज्यपाल जी इस सरकार को भी जगा। पार्टी के नेता आजम खान साहब के साथ लगातार झूठे मुकदमे, झूठी कार्रवाई और प्रशासनिक ढंग से जो जानबूझकर की कार्रवाई की जा रही है जिससे कि उन्हें दबाया जाए या पार्टी के नेतृत्व को दबाने का काम जो कर रहे हैं उसकी भी मैंने जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को दी है और हमें उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल सरकार को निर्देश भी दे सकते हैं, सरकार को जगा भी सकते हैं कि कम से कम अपराधी और जो झिंगल राज उत्तर प्रदेश में बना है उसको नियंत्रण में लाएं। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राज्यपाल से मुलाकात को फोटो सेशन बताया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि ये केवल उनकी राजनीतिक बयानबाजी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप भी सुनिए अखिलेश की मुलाकात पर बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। देखिये, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद में अखिलेश जी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को शून्य कर दिया था। मायावती जी ने भी उनका मार्गदर्शन किया था, उनको कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको ये करना होगा, आप ये करना होगा। तो अब अखिलेश जी राजनीतिक रूप से बाहर निकले हैं तो ये केवल उनकी राजनीतिक बयानबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रम है, फोटो सेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है इस पर वो भी आप सुनिए। अखिलेश जी की बेदर्द जो दर्द है उनका मैं समझ सकता हूँ। इतनी बुरी तरह से बुआ ने उनको झटका दे दिया है, चाहता उनको अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो उनका दर्द मैं समझ रहा हूँ। उस दर्द में, उस बेचैनी में कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और माननीय हमारे राज्यपाल जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने जितना अच्छा करना चाहिए उससे भी अच्छा करने का काम जो वो बुआ भतीजे मिलकर 15 साल में नहीं किए, हम लोगों ने 2 साल के अंदर उससे अच्छा काम। यूपी के नोएडा में सड़क किनारे कूड़ा डालते हुए